Hi everyone, we are going to start with chapter number 9 of your book First Flight, Madam Rides the Bus by Vallika Nanan. So in this chapter, the story is about a very small girl jo ek village mein rehti hai and she is not very rich, she is a poor, like she belongs to a poor household and uska ek desire hota hai bus mein travel karne ka. So she wants to travel इन अ बस या उसको बस राइड करने का बहुत ज़्यादा एक मन होता है, उसकी एक विश होती है. एंड हाउ शी फुलफिल्स हर विश एंड व्हाट स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड इट, वी आर गोइंग टू जस्ट रीड इन दिस चैप्टर. सो वील जस्ट स्टार्ट विद रीडिंग द बिफोर यू रीड पॉइंट्स. इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, एन 8 year ओल्ड गर्ल्स फर्स्ट बस जर्नी इन टू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So let's just read. I'll not disclose what the story is about. Hum ise padhenge aur samjhenge, saath saath we'll get to know what this really means. Okay, there was a girl named Valiyamai, who was called Valli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house, watching what was happened in the streets outside. There was no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. So this girl Valli, jiska nickname Valli tha, she was an 8 years old girl. सिर्फ 8 साल की थी वो, एंड शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. सो जस्ट लाइक ऑल अदर किड्स इन देयर वेरी यंग एज, दे नीड आंसर्स फॉर एवरीथिंग. हर चीज़ का जवाब उन्हें चाहिए होता है, बिकॉज देर आर सो मैनी थिंग्स दैट दे डू नॉट नो अबाउट. क्योंकि अभी वो बहुत छोटे होते हैं, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे जो आसपास हैं, उन्हें हर चीज़ का जवाब चाहिए होता है. दिस गर्ल वॉज ऑल्सो जस्ट लाइक दैट, शी वॉज ऑल्सो वेरी क्यूरियस. उसे हर क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता था, या उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रन करते रहते थे. सो दिस क्वेश्चन, दैट इज़ वाई उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियस कहा गया है, दैट शी वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. हर फेवरेट पास्ट टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, वॉचिंग वॉट वॉज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड. तो उसका फेवरेट पास्ट टाइम क्या था, वो अपने घर के दरवाजे पर, जो बाहर का दरवाज़ा है, उस पर खड़े होकर आसपास की चीज़ों को देखती थी. यही उसका पास टाइम था. सो सम पीपल लाइक परस्यू सम हॉबीज़, बट वल्ली के केस में क्या था कि उसका पास टाइम क्या था, जब भी वो खाली होती थी, वो अपने घर के फ्रंट डोर पर जाकर खड़ी हो जाती थी एंड अपने आसपास की चीज़ों को देखती थी कि बाहर सड़क पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. There were no playmates of her own age on her street, and this was about all she had to do. मतलब उसके एज के और बच्चे नहीं थे उनके घर के आसपास, जिसकी वजह से उसके पास और कोई मोड नहीं था जिससे वो अपना टाइम पास करे. तो इसीलिए वो जब भी फ्री होती थी, क्योंकि और कोई खेलने के लिए नहीं था या किसी के साथ टाइम स्पेंड कर नहीं पाती थी, बिकॉज उसकी एज के लोग नहीं थे वहाँ पर उसके घर के आसपास या उसके नेबरहुड में. दैट इज़ वाई उसको अपना टाइम पास कैसे करती थी, वो अपने फ्रंट डोर पर खड़े होकर अपने आसपास की चीज़ों को देखती थी. स्ट्रीट में क्या हो रहा है, सामने उसकी सड़क पर क्या हो रहा है, वो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करती थी. But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. तो Valli के लिए ये जो past time था, ऐसा नहीं था कि वो बहुत bore होती थी या उसे मज़ा नहीं आता था ये करने में. She used to feel very happy, or she used to enjoy as much as other children while playing games. तो जितना बाकी बच्चे games खेल कर खुश होते थे या वो enjoy करते थे, उतना ही वली के लिए ये kind of enjoyment थी that she is just looking around things. वो अपनी देख रही है कि सामने सड़क पर क्या हो रहा है या street में क्या हो रहा है, उसकी गली में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं.
ऐसा क्यों था? क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ नया होता था, उसे नए नए लोग दिखते थे, नई नई चीजें होती हुई दिखती थी, एंड शी वॉज अ वेरी क्यूरियस गर्ल, तो उसके माइंड में अकॉर्डिंगली उतने ही नए सवाल भी आते थे, तो उसे बहुत मज़ा आता था ये सब देखने में, आसपास कौन क्या कर रहा है, कैसे नए नए लोग क्रॉस कर रहे हैं उनके स्ट्रीट को, या फिर कैसे नए नए वेंडर्स अपना जो भी सेलिंग कर रहे हैं. सो ऑल दीज थिंग्स यूज टू एक्साइट हर, उसे बहुत मज़ा आता था ये सारी चीज़ें देखने में. सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन दैट स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज एन्जॉयबल एज एनी ऑफ द इलैबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू यूजल अनयूजल एक्सपीरियंसिस. वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजल एक्सपीरियंसिस, मतलब जो वो डेली रूटीन में इनकाउंटर नहीं करती थी, वहाँ पर डोर पर खड़े होकर उसको रोज़ कुछ ना कुछ नया एक्साइटिंग देखने को मिलता था, जो जिसके बारे में उसे या तो पहले नहीं पता होता था या फिर वो उस चीज़ को पहले से नहीं जानती थी कि ये क्या होता है. दैट इज़ वाई इट्स रिटन अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज. द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. सो उसके लिए सबसे ज़्यादा आउट ऑफ ऑल द अनयूजुअल थिंग्स जो उसे रोज़ देखने को मिलती थी व्हाइल शी वाज स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर ऑफ हर हाउस, सबसे ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ क्या थी? सबसे ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ थी दैट बस दैट ट्रैवल बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन. उनके गांव से लेकर एक नियरेस्ट टाउन तक एक बस जाती थी, जो कि उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग या फैसिनेटिंग लगती थी. इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक. तो हर घंटे वो बस वहाँ से पास करती थी, एक बार जब वो यहाँ से लोगों को लेकर जाती थी, दूसरी बार जब वो वहाँ से रिटर्न पर होती थी या वापस आ रही होती थी. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली. एज आई सेड, उसे ये सब चीज़ें करने में मज़ा आता था, उसे ऑब्जर्व करने में मज़ा आता था, उसे अपने आसपास की चीज़ें होते हुए देखकर बहुत मज़ा आता था. सो दैट इज़ वाई इट्स रिटन द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स. हर बार नए नए पैसेंजर्स आते थे एंड उसको इसी से बहुत ज़्यादा मज़ा आता था ये चीज़ देखकर कि जितनी बारी वो बस जो दो हर घंटे वहाँ से उसके घर के सामने से क्रॉस करती थी, हर बारी अलग लोग थे उसके बस के अंदर, जिससे जिसको देखकर उसको बहुत मज़ा आता था. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. सो रोज़ रोज़ वो जब उस बस को देखती थी तो वल्ली के माइंड में धीरे धीरे एक बार उस बस में राइड करने की विश आई, दैट शी वॉन्टेड टू नाउ राइड ऑन दैट बस. तो ये विश, क्योंकि वो रोज़ देखती थी और उसे रोज़ बहुत मज़ा आता था ये देखकर कि कैसे वो एक बस है जिसमें हर घंटे अलग अलग पैसेंजर्स उसे दिखाई देते थे, तो ये सब चीज़ें देखकर उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था. देन उसको एक अंदर से उसको एक विश हुआ कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ट्रैवल ऑन दैट बस. उसका भी मन हुआ कि वो भी उस बस पे ट्रैवल करे. एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इन टू हर हेड एंड ग्रू देयर. शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ जस्ट वंस. दिस विश बिकेम स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर. तो जब भी कोई चीज़ के बारे में आप बारी बारी सोचते हैं, या जब कोई एक चीज़ या पर्सन, इवन इफ इट इज़ अ पर्सन और अ थिंग, व्हेन यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट कॉन्टिन्यूसली डे इन डे आउट, आप उसको देखते हैं अगर बारी बारी, जैसा कि वल्ली के केस में था, वो रोज़ उस बस को देखती थी, हर घंटे देखती थी, एंड धीरे धीरे उसको उसके मन में वो बात आई कि उसे भी उस बस पे ट्रैवल करना है, एंड ये धीरे धीरे उसका विश एक डिज़ायर में कन्वर्ट हो गया. एंड शी कुड नॉट कंट्रोल इट, इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर.
Vali would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully का मतलब होता है longingly, मतलब उनको एक बहुत ज़्यादा लंबे समय तक उनको देखती रहती थी एक पर्टिकुलर पर्सन या उन सब लोगों को, उन सब पैसेंजर्स को जो उस बस से उतरते थे, उन सबको वो बहुत बहुत देर के लिए देखती रहती थी. विस्टफुली शी यूज टू स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना, उन लोगों को वो बहुत लंबी लंबी देर तक देखती थी, घूरती थी. द फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स. सो दे किंडल इन मतलब सेट अ लाइट और अ फायर या फीलिंग्स जनरेट करते थे, उसके अंदर वो फीलिंग्स आती थी. देयर फेसेस वुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स ड्रीम्स एंड होप्स. सो ये जो सारे फेसेस थे, न्यू फेसेस, कौन से, जो बस से उतरते थे, जो बस पर चढ़ते थे, ये सारे फेसेस एक उसके अंदर बहुत सारे होप्स और ड्रीम्स पैदा करते थे या जनरेट करते थे. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friends really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. So now, क्योंकि Valli का बहुत ज़्यादा मन था उस बस में राइड करने का, तो इसीलिए अगर उसकी कोई भी फ्रेंड या उसकी कोई भी नोन, वेन एवर दे यूज़ टू ट्रैवल एंड अगर वो आकर उसको डिस्क्राइब करते थे कि अच्छा उस टाउन में ये चीज़ें देखने को हैं या बस जर्नी के बारे में उससे बात करते थे, तो शी यूज़ टू फील वेरी जेलस. उसे पसंद नहीं आता था कोई और उसको उस बस जर्नी के बारे में बता रहा है या कोई और वो बस जर्नी पूरी कर कर आया है और उस टाउन तक होकर आया है. So if one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English. तो वो English में in return क्या बोलती थी, जब भी उसको कोई ऐसे सुनाता था कोई भी ऐसे incident या अपनी story सुनाता था, how they felt when they took that bus ride and or when they visited that town. So she used to shout what? Proud, proud. मतलब कई बार ऐसा होता है, इफ़ यू सी दीज पुअर किड्स हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश या पीपल हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, दे जस्ट अडैप्ट फ्यू वर्ड्स फ्रॉम द पीपल दे कम अक्रॉस. तो सिमिलर केस हैपेंड विद देम ऑल्सो, इनको बस वो वर्ड के बारे में पता था, दे डिड नॉट नो अबाउट द एक्चुअल मीनिंग और द यूसेज बिकॉज प्रॉबेबली दे वर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड, मतलब उन्हें इंग्लिश हो सकता है अच्छे से ना आती हो, तो वो प्राउड प्राउड चिल्लाते थे एज अ स्लैंग. जब भी उन्हें कुछ पसंद नहीं आता था तो वो ये प्राउड एक्सप्रेशन का, प्राउड प्राउड ऐसे एक्सप्रेशन का यूज़ करते थे. दैट इज़ वाई इट्स रिटन, ना तो Valli को समझ आता था इसका मतलब क्या है एंड दैट इसका यहाँ पर यूज़ करना इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, और ना ही इनकी Valli की फ्रेंड्स को समझ आता था. Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. So, bahut din tak, so day by day, when she used to see that bus every day with new set of people, har ghante bus aa rahi hai, bus ja rahi hai, naye naye log utar rahe hain, naye naye log chadh rahe hain, ये सारी चीज़ें वो रोज़ देखती थी, जिसकी वजह से उसके मन में वो फीलिंग आई कि येस शी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ट्रैवल और सिट ऑन दैट बस. सो ओवर मैनी डेज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, Valli इंस्टेड लिसन केयरफुली टू कॉन्वर्सेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस. तो बहुत दिन या फिर इस पूरे टाइम स्पैन में Valli ने कॉन्वर्सेशंस सुनी नेबर्स के बीच की एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस. जो ये सारे लोग हैं जो बहुत रेगुलरली या फ्रीक्वेंटली इस बस में ट्रैवल करते थे, Valli ने उन सब के आपस की कॉन्वर्सेशन सुनी एंड साथ ही साथ उसने अपने उसके मन के जो कुछ क्वेश्चंस थे या उसके कुछ डाउट्स थे वो साथ ही साथ उसने क्लियर करने की कोशिश करी. डिस्क्रीट क्वेश्चंस मतलब
विच ताकि किसी और को सो दैट द अदर पर्सन शुड नॉट कम टू नो व्हाट इज द इंटेंट. वो इस इंटेंट से पूछ रही थी ताकि उसको नॉलेज आए कि बस जर्नी हाउ इट इज एंड क्या क्या चीज़ें होती हैं. बट वो ऐसे इस तरीके से पूछती थी कि सामने वाले को ना समझ आए, सामने वाले को ना पता चले कि उसका इंटेंट क्या है. मतलब वो क्यों पूछ रही है ऐसा क्वेश्चन. इसीलिए लिखा है डिस्क्रीट क्वेश्चन, मतलब केयरफुल क्वेश्चंस. ओके, दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज. द फेयर वॉज 30 paise वन वे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वली who scarcely saw that much money from one month to the next, it seemed a fortune. So again, it's written, जैसे हमने देखा कि वो कैसे लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनती थी, जो लोग बस ट्रैवल करके आए होते थे या जो लोग बस में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते थे, उन सब की कॉन्वर्सेशन सुनती थी. एंड बहुत ही केयरफुली वो अपने क्वेश्चंस उनसे पूछती थी ताकि उसको थोड़ी सी नॉलेज आ जाए कि हाउ इट इज़ टू राइड ऑन दैट बस, या कैसा एक्सपीरियंस होता है उस बस पे राइड करने का. ओके, शी हर्ड वन, ओके दिस लाइन द फेयर. सो नाउ शी गेट्स टू नो व्हाट डिस्टेंस पता चल जाता है उसे कितना है, 6 miles फ्रॉम हर विलेज. द टाउन इज 6 miles फ्रॉम हर विलेज एंड फेयर पता चल जाता है कि इट इज 30 paise ऑन वन साइड, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल. शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, तो जिस इंसान से उसे वो प्राइस के बारे में नॉलेज मिलती है, दैट पर्सन वॉज वेरी वेल ड्रेस्ड अप एंड ही सेज 30 paise इज नथिंग एट ऑल. लेकिन वली के केस में क्या था, वली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट, इट सीम्ड अ फॉर्च्यून. तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वली बिलोंग टू अ पुअर हाउस होल्ड, तो उनके लिए वो 30 paise भी बहुत ज़्यादा थे. इट वॉज अ फॉर्च्यून मीन्स इट वॉज अ लॉट ऑफ और अ हैवी अमाउंट फॉर देम. तो इसीलिए वली मतलब वेन दैट वेल ड्रेस्ड मैन सेड दैट इट इज़ नॉट मच फॉर मी, तो वली ने थोड़ा सोचा बट कि उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था क्योंकि वो मंथ्स में भी इतने पैसे इकट्ठे नहीं देखते. द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes. ऑन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 paise, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस. दिस मीन्स दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय 2:45. नाउ अपने हेड में वो सारी ये प्लानिंग कर रही है. शी इज़ जस्ट डूइंग व्हाट, गैदरिंग डिटेल्स. जस्ट इमेजिन एन 8-year-old गर्ल डूइंग ऑल दीज थिंग्स. शी इज़ यू नो बिल्डिंग अ प्लान इन हर माइंड एंड हाउ शी कैन एग्जीक्यूट इट. तो उसने ट्रैवल का डिस्टेंस जान लिया, उसने ट्रैवल का फेयर जान लिया और उसको जो चाहिए था कि कितना टाइम लगता है. शी गेट्स टू नो दैट द ट्रिप टू टाउन टुक 45 minutes. On reaching town, if she stayed in her seat and paid another 30 paise, she could return home on the same bus. This meant that she could take the 1 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back by home by 2:45. So, अपने mind में वो ये सारी calculations करती है. She just builds up this plan in her mind that she is going to, डू इट दिस वे कि वो 1 बजे अगर यहाँ से चले, क्योंकि 45 minutes लगते हैं, 1:45 पे शी विल रीच द टाउन एंड अगर वो बस में ही बैठी रहे एंड पेज अनदर 30 paise टू द कंडक्टर, शी कैन ट्रैवल बैक इन दैट सेम बस एंड रीच होम बाय 2:45. तो अपने माइंड में वो ये सारे प्लान्स बनाती है बेसिस द डिटेल्स दैट शी गॉट बाय ओवर हियरिंग सम ऑफ द पैसेंजर्स और सम ऑफ द नेबर्स. On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. तो रोज़ के रोज़ जब वो ये सब सोचती थी, प्लानिंग करती थी, कैलकुलेशंस करती थी, ये सब उसके दिमाग में रन होता रहता था, चलता रहता था. ओके, वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द
the afternoon bus was just on the point of leaving the village and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus, stop the bus," and a tiny hand was raised commandingly. Okay, so one day kya hota hai ki ek spring day ki description hai ki afternoon dopahar ka time tha and the bus was just on point of leaving the village. मतलब बस जो है वो विलेज के लिए जो बस है वो टाउन के लिए निकलने ही वाली थी कि पीछे से उनको एक आवाज़ सुनाई देती है सेइंग व्हाट स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, मतलब बस रोको चिल्लाता हुआ उन्हें कोई सुनाई देता है. एंड अ टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली. जैसे आप अगर इमेजिन करें एक इंसान को जो कि बस के पीछे भाग रहा हो तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली हवा में आ जाता है एंड द एक्शन गोज सच दैट ही वांट्स टू स्टॉप दैट बस. सिमिलर वाज हैपनिंग हियर. वल्ली ने भी अपना हैंड ऐसे रेज करा जैसे कि उसको वो बस रोकनी है जबकि वो बस निकलने ही वाली थी वहाँ विलेज से फर्दर टाउन. ओके, द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर सेड, हरी देन टेल हूसोएवर इट इज टू कम क्विकली. तो जो बस कंडक्टर है उसने सुन ली आवाज एंड बस को थोड़ा धीरे कर दिया एज इफ द बस वॉज जस्ट क्रॉलिंग. एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट, कंडक्टर ने अपना सिर बाहर निकाल कर जोर से चिल्लाया हरी देन, मतलब जल्दी करो, एंड जिसने भी बस बोर्ड करनी है उसे बोलो कि जल्दी से आ जाए. इट्स मी, शाउटेड वल्ली, आई एम द वन हु हैज टू गेट ऑन. तो वल्ली रिस्पॉन्ड करती है कि अरे बस और किसी को नहीं, मुझे ही बोर्ड करनी है, मैंने ही जाना है विलेज से टाउन. बाय नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप एंड द कंडक्टर सेड, ओ रियली, यू डोंट से सो. Yes, I simply have to go to town, said Valli. तो बस कंडक्टर एक छोटी सी लड़की को, 8 साल की लड़की को अकेले आते हुए देख के थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, थोड़ा सा शॉक हुआ. He says, अरे क्या ये सच है, तुम ही हो जिसे जाना है बस में बैठकर from the village to the town. She says, yes, I simply have to go to the town. तो वली जो है वो बस के बाहर खड़े होकर उससे कॉन्वर्सेशन करती है एंड बाहर ही उसको वो पैसे दे देती है, दैट हियर हियर्स माय मनी. शी शोड हिम सम कॉइन्स जस्ट टू मेक श्योर दैट कंडक्टर नोज कि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं एंड वो बिना टिकट के नहीं जाने वाली. ओके ओके, बट यू फर्स्ट मस्ट गेट ऑन द बस, सेड द कंडक्टर एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप. तो इस चक्कर में क्योंकि बस तो वेट कर रही थी, इट वॉज अबाउट टू लीव एंड वल्ली बस के बाहर ही खड़े होकर कंडक्टर को पैसे दिखा रही थी, कॉइन्स दिखा रही थी, दैट येस शी हैज द रिक्वायर्ड मनी टू बाय द टिकट. साथ ही बस कंडक्टर ने उसे बोला, अच्छा तुम फिर बस के अंदर चढ़ जाओ, पहले तुम बस में चढ़ जाओ, फिर हम टिकट तुम्हें इशू करेंगे. एंड द कंडक्टर स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्ड हर अप, मतलब कंडक्टर ने अपना आर्म आगे करा उसको अंदर बुलाने के लिए. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी. तो वली ने रिफ्यूज़ कर दिया, कंडक्टर ने उसको हेल्प करने के लिए, बोर्ड करने के लिए उसको अपना हैंड ऑफर करा, बट वली ने क्या बोला, नेवर माइंड, रहने दो, मैं अपने आप बस में चढ़ जाऊँगी, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए या मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है. ओके, द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विद मी माई फाइन मैडम, ही सेड, हेयर हैव अ सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, एवरीबडी मूव असाइड, मेक वे फॉर मैडम. सो जो कंडक्टर है वो बहुत ही जॉली नेचर का आदमी था, मतलब बहुत ही हंसमुख किस्म का आदमी था. तो वो सुनते ही जैसे ही वली ने इतने एरोगेंटली उसको इग्नोर कर दिया उसकी हेल्प को, ही देन सेज, अरे आप मेरे से गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम. सो ही एक्नॉलेजेस हर बाय सेइंग माई फाइन मैडम. तो वो उसको सबसे फ्रंट सीट ऑफर करता है जहाँ, और सबको वहाँ से मूव असाइड, मतलब हटा देता है. इट वॉज द स्लैक टाइम ऑफ द डे. स्लैक टाइम क्या होता है, टाइम वेन देर इज नॉट मच वर्क. तो हर बिजनेस के अपने एक पीक टाइम, स्लैक टाइम होते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर आर
जब वो पर्सन का बिजनेस सबसे ज़्यादा डिमांड में हो या सबसे ज़्यादा कस्टमर्स उस टाइम पर हो, स्लैक टाइम होगा जब वही सेम चीज़ उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में बहुत कम क्लाइंटेज हो या बहुत कम कस्टमर्स आते हों। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर एक आइसक्रीम वेंडर है, अगर वो दोपहर को स्ट्रीट्स में अपनी आइसक्रीम सेल करने निकले तो कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा उसे उन स्ट्रीट्स पर नहीं मिलेगा। मतलब वो अगर 2 से 4 का हम टाइम देखें जो दोपहर का होता है, जब समर्स में एटलीस्ट एवरीवन प्रेफर्स टू जस्ट सिट बैक एट होम, उस टाइम पे अगर वो आइसक्रीम वेंडर स्ट्रीट्स में निकले तो उसे ज़्यादा बच्चे या ज़्यादा बड़े नहीं दिखाई देंगे। सेम केस, मतलब वो उसका एक स्लैक टाइम हो गया 2 से 4 बजे का। सिमिलरली अगर वो शाम के टाइम 6 बजे के बाद या 5 बजे के बाद पार्क्स के आसपास या फिर गलियों में भी घूमे तो भी उसे हर तरफ बड़े बूढ़े बच्चे भी दिखाई देंगे घरों के बाहर निकलते हुए, एंड उसकी आइसक्रीम सेल्स बहुत ज़्यादा होंगी। सो दैट वुड बी हिज पीक टाइम। तो यहाँ पर इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ द डे, मतलब बस में ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। They were all looking at Valli and laughing with the conductor. तो सब लोग वल्ली को देख रहे थे एंड उस पर हंस रहे थे। Valli was overcome with shyness. वल्ली को रियलाइज़ हुआ कि सब लोग उस पर हंस रहे हैं, तो उसको थोड़ी सी शर्म आने लगी, वो थोड़ा सा embarrassed फील कर रही थी। Shyness मतलब कि थोड़ा सा शर्माना। Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. तो जब कंडक्टर ने उसे अपना हैंड ऑफर करा और वल्ली ने उसे रिजेक्ट कर दिया कहते हुए कि नहीं, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो कंडक्टर, हु वॉज अ वेरी जॉली नेचर्ड मैन, ही एक्नॉलेजेस दैट गर्ल, दैट स्मॉल लिटिल गर्ल, बाय सेइंग माय फाइन मैडम। एक काइंड ऑफ रिस्पेक्ट पे कर रहा था वो स्मॉल गर्ल को जो कि बस बोर्ड कर रही थी अकेले, एंड साथ ही उसने, कंडक्टर ने वल्ली को फ्रंट सीट ऑफर करी, एंड फ्रंट सीट ऑफर करने से पहले उसने जितने पैसेंजर्स थे उनको सबको साइड मूव करवाया कि सब लोग हटो, प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम। ये सब लोग जितने भी बस में प्रेजेंट थे, कम ही लोग थे, 6 or 7 पैसेंजर्स, क्योंकि उनका स्लैक टाइम ऑफ द डे था, ये सब लोग ये पूरा इंसिडेंट देखकर दे जस्ट स्टार्टेड लाफिंग एट वल्ली, उसको देख रहे थे एंड उस पर हंसने लगे सब लोग। तो ये सब देखते ही वल्ली गॉट अ लिटिल शाय, उसे थोड़ी सी शर्म आ गई, शी वॉज फीलिंग अ बिट एम्बेरस्ड, एंड अवॉइडिंग एवरी वंस आईज शी वॉक्ड क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन। तो सब बिना किसी से आई कॉन्टैक्ट करे, क्योंकि उसे पता था सब लोग उसको देख रहे हैं, सो शी गॉट अ बिट कॉन्शियस ऑल्सो। जब आप क्लास में भी, when there is some competition and you have to, you know, stand in front of everyone and speak on something or say, let's say when you have to give a speech, so all eyes are on you, you know that and you are conscious of that fact, so aapko thoda sa dar, thoda sa nervousness, wo sab cheeze hoti hain, and sometimes children start avoiding the eye contact, wo logo se eye contact hi nahi kar pate. Here also same thing happened when Valli knew ki सब लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे एंड सब लोगों की आईज वर ऑन वल्ली, सो शी गॉट अ बिट शाय एंड वो थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील कर रही थी, एंड दैट इज़ व्हाई, व्हाट डिड शी डू, उसने अवॉइड करा सबके साथ आई कांटेक्ट करना, अवॉइड करा, उसने किसी की तरफ देखा नहीं और उसने फटाफट से एक एम्प्टी सीट स्पॉट करी, खाली सीट देखते ही वो वहाँ पर जाकर बैठ गई। Okay, so friends, till here we are going to stop. These questions will be discussed in our later videos, and later part of the story also we are going to discuss in the next set of videos. Thank you for watching. Thank you so much.